और इधर देख सकते हैं ये जो रूट दिख रहा होगा, ये जो ब्रिज है, और यहाँ से सीधा ग्रीडी कॉलेज निकलती है। और इधर जो दिख रहा होगा पूरा जो सुखाड़ है जो इधर पूरा दिख रहा होगा, ये जो पानी का कमी जो दिख रहा होगा, सिर्फ एक ही कारण है गाइज, जो यहाँ पे अवैध खनन होता है, अवैध बालू का उत्पन्न होता है और यहाँ से लोड करके जो ले जाया जाता है ना, उसी के कारण ये जो है पानी भी कम हो रहा है और इधर जो पूरा सुखाड़ पड़ रहा है। लोगों को नदी दिख ही रहा होगा, तो ये जो दिया गया गाइज यहाँ पे जगह जगह पे ये दिया गया है, क्योंकि अगर ट्रेन आ रही है अचानक से, अगर कोई यहाँ पे खड़ा है तो बचने के लिए ये दिया गया है, ताकि इधर से तो नदी है उधर से भी नदी है तो क्या करे, तो उधर से अगर स्पीड से अचानक से ट्रेन आती है तो ये बचने के लिए हर जगह जगह पे दिया गया है। और बहुत ही अच्छा सरकार ने ये लगाया गया है कि हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि गाइज मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम अपना इधर आए हुए हैं, जो कि मेरा गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर पड़ता है। तो गाइज आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि अपना गांव का नहर वगैरह दिखाओ, नदी वगैरह दिखाओ। तो गाइज अभी फ़िलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं मेरा होंडा साइन। आज गाइज अपाची नहीं था, क्योंकि अपाची सर्विस में था, क्योंकि गाइज जो है मेरा बाइक थोड़ा ख़राब हो चुका था, तो उसको बनाने के लिए ले गया है मेरा पापा। तो फिलहाल गाइज अभी यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से अभी हम लोग को 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और शुरू करने से पहले गाइज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, और आप लोग को आज पूरा दिखाने वाले हैं, पूरा व्यू करवाने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए और देखिए कि हम लोग गाँव का जो नहर है, नदी वगैरह है, वो सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अभी चलिए यहाँ से चलते हैं पहले। तो गाइज इधर देख सकते हैं अभी हम लोग नदी पहुंचने ही वाले हैं जस्ट, और इधर से ये रूट जो है पूरा आप लोग देख सकते हैं अच्छा ही है, उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। बट फिलहाल अभी तुरंत हम लोग पहुंच जाएंगे नदी के पास। और अभी देखो इधर रास्ता वगैरह ख़राब है, ठीक है, तो थोड़ा आराम से चलना, चलो थोड़ा आगे लेके चलो ना बाइक को, वहाँ पर थोड़ा नीचे कर दो। अगर अपाची रहता ना दोस्त तो अच्छा लगता थोड़ा सा, अपाची है नहीं तो ये गाड़ी तो संभव नहीं है पहुंचाना। तो गाइज अभी फ़िलहाल बाइक को रख दिए ऊपर में ही, और इधर रास्ता जो है बहुत डेंजर है, तो उसकी वजह से पैदल जाना पड़ रहा है। अरे जो नदी है वो हम लोग का गांव से आती है और मिलती भी है, क्योंकि उसरी नदी है ना, तो उसरी नदी हम लोग गाँव तरफ से भी आती है। तो इधर थोड़ा सा अच्छा, मतलब इधर अच्छा लोकेशन भी था, तो सोचा गया चलो इधर से ही आप लोग को अच्छा से व्यू करवाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं, ताकि आप लोग को अच्छा लगे। तो अभी चलते हैं, और रास्ता ख़राब होने के कारण हम लोग थोड़ा दूसरे रूट से आ गए, और अभी आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस इधर देख सकते हैं हम लोग पूरा नीचे आ चुके हैं, इधर पानी फ़िलहाल अभी कम है और बारिश वगैरह अभी ज़्यादा हो नहीं रही है, तो उसके वजह से पानी पूरा सूख गया है। और इधर देख सकते हैं गाइस ट्रैक्टर वगैरह लगाया गया है, और बालू वगैरह का जो है यहाँ से ले जाया जाता है। और आप लोग देख सकते हैं नदी का क्या हाल हो चुका है, ज़्यादा बालू जो है यहीं से सा जो उसरी नदी पूरा जो इधर गिरिडीह, आप लोग जानते ही होंगे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में जितना भी बालू वगैरह का काम होता है सब यहीं से ले जाया जाता है। और उधर आप लोग दूर से देख सकते हैं ट्रैक्टर वगैरह दिख रहा होगा पूरा, और इधर पूरा पानी वगैरह देख सकते हैं कितना बहाव जो है कम हो चुका है, इधर पूरा उठा रहा है बालू वगैरह और ट्रैक्टर वगैरह में इस लोग को लोड करके बालू वगैरह को फिर यहाँ से ले जाया जाता है। अब कंडीशन देख ही सकते हैं कैसा है, और पानी अभी बहुत कम है, तो ट्रैक्टर को डायरेक्ट इधर से, इधर एक रोड है उधर से लेके इधर से चढ़ा के ले जाया जाता है लोड करके। और पूरा अभी माल लोडिंग हो रहा है, पूरा बालू वगैरह देख सकते हैं जो कि है पूरा अभी लोड कर रहा है ट्रैक्टर में। भाई किस तरह चला देता है भाई पानी में,
मतलब पानी में भी चल जाता ट्रैक्टर। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी नदी से ऊपर, और इधर देख सकते हैं ये जो रूट दिख रहा होगा, ये जो ब्रिज है और यहाँ से सीधा ग्रीडी कॉलेज निकलती है, और इधर जो दिख रहा होगा पूरा जो सुखाड़ है जो इधर पूरा दिख रहा होगा, ये जो पानी का कमी जो दिख रहा होगा सिर्फ एक ही कारण है गाइज, जो यहाँ पे अवैध खनन होता है, अवैध बालू का उत्पन्न होता है और यहाँ से लोड करके जो ले जाया जाता है ना, उसी के कारण ये जो है पानी भी कम हो रहा है और इधर जो पूरा सुखाड़ पड़ रहा है, और कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे नुकसान हो रहा है आप लोग देख ही सकते हैं। और इधर जो पूरा ऊपर ऊपर तक देख रहे होंगे जो पूरा दिख रहा होगा ना खाली प्लेस, और पूरा मतलब पहले जो है पूरा बालू भी रहती थी, पानी भी रहती थी, और बालू के कारण ही पानी आता है आप लोग को पता ही होगा, और यहाँ पे पानी भी जो कम हो गया है और बालू भी पूरा कम होते जा रहा है। इधर जो है पूरा मतलब दिन भर में हमको लगता है कि 100-200 ट्रैक्टर यहाँ से बालू ले जाया जाता है। और तो इधर देख सकते हैं गाइस दूसरी रिवर का जो है बोर्ड लगा हुआ है, और इधर से जो है ये जो प्लेटफॉर्म आप लोग को दिख रहा होगा वो जो है सीधा यहाँ से ग्रीडी जाती है, न्यू ग्रीडी, और यहाँ से जो है कुछ खूबसूरत नज़ारा है पूरा ग्रीडी का। तो हम लोग सोचें कि चलो जाके थोड़ा ब्रिज पे जाते हैं और ऊपर से आप लोग को कुछ अच्छा सिनेमेटिक सीन वगैरह दिखाते हैं। ये जो पूरा दिख रहा होगा ये जो पूरा विलेज वगैरह जो दिख रहा होगा, ये सिटी का ग्रीडी है, और इधर से कुछ अच्छा सिनेमेटिक सीन है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा। गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंजर सीढ़ी दिया गया है, और यहाँ से फिलहाल नीचे भी जाते हैं, इतना खाली है ना, बहुत डर लग रहा है दोस्तों। इतना ज़्यादा खड़ी लग रहा है यहाँ से, क्या मस्त व्यू लग रहा है। इतना ज्यादा खड़ी है ना ये सीढ़ी, लगता है अगर मतलब आंखों किधर उधर हो जाएगा, मतलब अंदर नीचे जाके देखे ना कुछ अच्छा ही सीन था, पूरा मजा आया। और अभी ऊपर फिर से आ गए हैं, और इतना ज्यादा खड़ी है ना ये वाला सीढ़ी जो दिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डरावना सीढ़ी है, क्या मस्त व्यू है यार। इधर देख सकते हैं ये जो ब्रिज है, और इधर से आप लोग को नदी दिख ही रहा होगा, और ये जो दिया गया है गाइस यहाँ पे जगह जगह पे ये दिया गया है, क्योंकि अगर ट्रेन आ रही है अचानक से, अगर कोई यहाँ पे खड़ा है तो बचने के लिए ये दिया गया है, ताकि इधर से तो नदी है उधर से भी नदी है तो क्या करें, तो उधर से अगर स्पीड से अचानक से ट्रेन आती है तो ये बचने के लिए हर जगह जगह पर दिया गया है। और बहुत ही अच्छा सरकार ने ये लगाया गया है कि अच्छा सा सोच रख के ये दिया गया है कि चलो कोई मतलब अगर यहाँ पे है अचानक से, मान लो हम ही लोग हैं तो बचने के लिए क्या करें, इधर से वो नदी है इधर भी नदी है, तो उधर जो है तो अच्छा है, यहाँ से आराम से जा सकता है और आराम से इधर से ट्रेन निकल सकती है। तो बहुत ही अच्छा सोच है सरकार की कि इधर से ये जो है दिया गया, और इधर से कुछ अच्छा सिनेमेटिक सीन। और इधर देख सकते हैं गाइस ये जो घर वगैरह दिख रहा होगा, पहले जो है लगभग 5 साल पहले जब हम थोड़ा सा छोटा रहते थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक घर भी नहीं था, ब्रिज वगैरह भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। और आप लोग देख सकते हैं इधर भी दिख रहा होगा घर, इधर भी घर दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा घर, मतलब इतना ज़्यादा डिमांड हो गया इधर का कि मतलब सब जगह घर अभी अचानक से बढ़ते जा रही है और आबादी भी बढ़ते जा रही है, जिसके कारण बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चलो कम से कम कुछ अच्छा कर रही है, और ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है इधर से, तो अच्छा बात है इधर से। और फिलहाल गाइज मतलब इधर देख सकते हैं ब्रिज, ये ब्रिज जो है सबसे अच्छा काम किया सरकार कि यहाँ से जो डायरेक्ट जोड़ दिया है ग्रीडी कॉलेज तक, और डायरेक्ट इधर से शॉर्टकट जाए लेके जा सकता है, और बहुत ही अच्छा है। और गाइज यहाँ से अभी हम लोग को जाना पड़ेगा घर, और शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 4 बज रही है, तो अभी यहाँ से निकलना होगा हम लोग को, तो निकलते हैं अभी गाइज घर यहाँ से। और आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही इन्जॉय किए होंगे, तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स।